Hello everyone, this video is based on MS Word 2010, but with the help of this you can also work in 2007, 10, 13 and 16, because MS Word have the same basic concepts. The only difference is that as new versions come, some changes are made to them, some features are added, but the basic features remain same. तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस टॉपिक में क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट की स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट का साइज चेंज करना, यूज ऑफ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, और साथ ही साथ सीखेंगे इनकी शॉर्टकट कीज के बारे में। मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्नोगुरु राठौड़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ प्रैक्टिकल के लिए एमएस वर्ड पर। तो यहाँ पर ही हम पहुँच चुके हैं एमएस वर्ड। सबसे पहले हम सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट को चेंज करना। फॉन्ट को चेंज करने के लिए आपको उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है, या आप उस सिंगल लाइन को या पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर फॉन्ट की गैलरी में, आपको एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी फॉन्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं, माउस का पॉइंटर आपको वन बाय वन मूव करना है और जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है उस फॉन्ट पे आपको जाकर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से मैं जोकर मैन फॉन्ट ले लेता हूँ, ये मैंने जोकर मैन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने जोकर मैन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा फॉन्ट है वो जोकर मैन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कि फॉन्ट का साइज कैसे चेंज किया जाता है। फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए आपको उस पैराग्राफ, लाइन या होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप जितने एरिया को सेलेक्ट करेंगे उतने ही एरिया पे ये अप्लाई होता है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर फॉन्ट की जो कैटेगरी आप देख रहे हैं यहाँ पर लिस्ट, इस लिस्ट में आपको 8, 9, 10, 11 जो भी आपको फॉन्ट का साइज चाहिए उस फॉन्ट साइज पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ 20 पर। कई बार आपको ऐसा साइज चाहिए होता है जो कि इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 20 के बाद 21 नहीं है, 22 के बाद 23 नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस नंबर को सेलेक्ट करके टाइप करना है और एंटर की प्रेस करनी है। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे आपका वही साइज हो जाता है जो आपने यहाँ पर टाइप किया। तो यहाँ पर ये तो आपने सीखा यहाँ पर फॉन्ट की इस लिस्ट से साइज को बड़ा छोटा करना। अब हम सीखते हैं ग्रो फॉन्ट बटन के द्वारा साइज कैसे बड़ा छोटा किया जाता है। साइज को ग्रो करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है ग्रो फॉन्ट पर, आप देख रहे हैं साइज बड़ा हो रहा है। और साइज को छोटा करने के लिए आपको इसी के बगल में क्लिक करना है श्रिंक फॉन्ट पर, तो ये आपका साइज वापस से छोटा हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि शॉर्टकट की के थ्रू आपको साइज बड़ा करना है तो आप कंट्रोल, शिफ्ट और ग्रेटर देन के साथ साइज को बड़ा कर सकते हैं, और यदि आपको साइज छोटा करना है तो इसके लिए आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल, शिफ्ट एंड लेस देन। यदि आप चाहते हैं कि आपको साइज जो है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होना चाहिए, जैसे 14 है फिर 15 हो, 16 हो, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल के साथ क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करना है, तो ये आपका साइज वन बाय वन इंक्रीज होगा। और यदि आप कंट्रोल के साथ ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट को करते हैं तो ये आपका साइज वन बाय वन डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये हमने सीखा साइज को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। अब हम चलते हैं कि फॉन्ट को कैसे बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, बिना सेलेक्ट करे कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ बी पर तो ये बोल्ड हो गया, आई पे क्लिक करते हैं ये आपका इटैलिक हो जाता है, और आप यू पर क्लिक करते हैं तो ये आपका अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है, अंडरलाइन के अंदर आपकी कैटेगरीज हैं कि आपको अंडरलाइन कौन सी चाहिए, आप सिंगल लाइन, डबल लाइन, डॉटेड, डैश, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं डबल अंडरलाइन लेता हूँ, और यहाँ से जो भी आपको कलर चाहिए आप अंडरलाइन कलर पे जाके वो कलर यहाँ से ले सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं ग्रीन ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो चुका है और साथ साथ उसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसको वापस से
पहले जैसा करने के लिए आपको सेलेक्ट करके अगेन पे क्लिक करना है। बी पर क्लिक करेंगे बोल्ड हट जाएगा, आई पे क्लिक करेंगे इटैलिक हट जाएगा, और यू पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा। क्लियर? इसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक एंड कंट्रोल यू से अंडरलाइन। अगेन आप प्रेस करते हैं कंट्रोल बी से बोल्ड हट जाता है, कंट्रोल आई से इटैलिक हट जाता है और कंट्रोल यू से आपकी अंडरलाइन हट जाती है। तो यहाँ पर ही हमने सीखा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू। देखिए स्ट्राइक थ्रू का मीन्स है ड्रॉ ए लाइन मिडिल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, कि आपको कोई लाइन क्रॉस करनी है, आप उसको गलत दिखाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर उस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉन्ट ग्रुप में ही यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन क्रॉस हो चुकी है। अगेन इसको पहले की जैसा करना है तो सेलेक्ट करके वापस से आपको स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करना है, तो ये आपकी पहले के जैसे हो जाती है। अब हम सीखते हैं लास्ट हमारा टॉपिक सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। तो पहले हम जानते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। देखिए सुपर स्क्रिप्ट का मीन्स है क्रिएट स्मॉल लेटर अबोव द बेस लाइन, और सब स्क्रिप्ट का मीन्स है क्रिएट स्मॉल लेटर बिलो द बेस लाइन। कहने का मतलब है कि जब भी आप टाइप करते हैं तो टाइप करते वक्त आप चाहते हैं कि बेस लाइन से थोड़ा ऊपर लिखना है। जैसे कि फॉर्मूला टाइप करता हूं मैं H2SO4, तो यहां पर आप H2SO4 के अंदर, इसको मैं कैपिटल लिख लेता हूं H2SO4, तो यहां से इसको लिखने के बाद, ये बड़ा कर लिया मैंने, जो 2 है और 4 है वो आपका H के नीचे 2 आना चाहिए और O के नीचे 4 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 2 को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसे हम सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको सबस्क्रिप्ट पे आपको क्लिक करना है। सबस्क्रिप्ट करने से ये बेस लाइन के नीचे आ जाता है, और ऐसे ही आपने 4 को भी सेलेक्ट किया और यहाँ से सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं ये आपका सबस्क्रिप्ट हो चुका है। और यदि इसके लिए आप शॉर्टकट की अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कंट्रोल जेड करके मैंने इसको वापस से पुराना कर लिया, तो आप इसको सेलेक्ट करके इसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ इक्वल आप प्रेस कर सकते हैं, तो ये आपका सबस्क्रिप्ट हो जाता है। अगेन प्रेस करते हैं ये आपका नॉर्मल हो जाता है। ऐसे आपको यहाँ से 4 को भी सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करना, ये आपका सबस्क्रिप्ट हो जाता है। अब हम सीखते हैं सबस्क्रिप्ट के बाद सुपर स्क्रिप्ट। यदि आप चाहते हैं एक्स के बाद आपको 2 जो है वो ऊपर ले जाना है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर बनाने के लिए आप इसको और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर क्लिक करना है सुपर स्क्रिप्ट, या फिर आप इसके लिए शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे ये आपका ऊपर जा चुका है, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट बन चुका है, या फिर आप इसको सेलेक्ट करने के बाद सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक भी कर सकते हैं। वापस से क्लिक करेंगे नॉर्मल हो जाएगा। तो यहां पर हमने सभी टॉपिक 1 बाय 1 क्लियर कर लिए। उम्मीद करता हूं आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे।